बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जनाब एक सोनी डेडी कैन के साथ खिदमत हाजिर हाँ। काशिफ मलिक मेरा ना है। खासे अरसे बाद मुलाकात होती है। रोज़ों का महीना गुजर है। रोज़ों तो पहले तकरीबन तुसा नाल 15-20 दिहाड़े मुलाकात नहीं हो कि कोरोना के मामलात है जी। तो रोज़े भी जाहिर तुसा पता है कोरोना के हालात पे जी गुजरे। बहरहाल तुसा रोज़ों की मुबारक हो जी। अल्लाह ताला तुसा तौफीक दीती है, असं सारे तौफीक दीती है कि असं रोज़े रखें और अल्लाह ताला असं बड़िया मुसीबतों तो भी बचाया, बीमारियों तो भी बचाया। ईदी की खास तुसा मुबारक और तुसा बिल्कुल जिस जाई में बैठे हैं इस जाई के बारे में दसा। बाकी गलां जरूर कर सुन बाद में। असी पुलिस गेस्ट हाउस है बटवादे बैठे हैं जी। और के खूबसूरत जाए और के खूबसूरत असा लोकेशन मिली है। बड़े अरसे की ख्वाहिश है कि इतने डेडी करा, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला की तरफों हर काम अपने वेले तो होंदा है। तो साड़ी ईदी की खास डेडी इतने आनी है। और खास तौर पर शुक्रिया जी हज़ारा पुलिस का और DPO जड़े साढ़े अबटाबाद के जहूर बाबर खान आफरीदी उन्होंने और उन्होंने सारे अफसर का शुक्रिया कि उन्होंने जनाब असा डेडी ईदी आए दिहाड़े इतने डेडी मुनद कराई है। और तुम साढ़े पुलिस आफिसर नज़र आते हो सुन आखते ना कि पुलिस का अफसर हो फौज का अफसर हो जिस वेले भी जिते भी होवन जिस भी ईवेंट में होवन यूनिफॉर्म उन्होंने मौजूद रही है। बहरहाल जी अज भी ईदी आए दिहाड़े भी ड्यूटियां करते हैं और अपनी ड्यूटियों तो साड़ी इस डेडी में आए हैं और असा इन्हों खुशियों इतने आए हैं। और इस ईदी दुशियों में K2 टेलीविजन इन्होंने प्याल है। तुम पाकिस्तान में असा देखते हो, पाकिस्तान तो बाहर देखते हो। तुसा कदे कल ईद की है, कदे अज ईद है या जनाब ईदी का दूआ त्रीआ दिहाड़ा। बहरहाल जी ईद तो ईद होंगी ना, खुशियां होंगे ना। तो तुसा ईदी की मुबारक असी देने कदे परदेसा में हो तो जनाब तुसा दोहरी दोहरी मुबारक, क्योंकि परदेस में रह के खास तौर से बड़ा दिहाड़ा ईदी का आंदा तो अपने प्यारे बूही ज़्यादा याद आते हैं। तुसा यकीन याद आते हो सुन, लेकिन असी इस प्रोग्राम के जरिए तुसा की मुलाकात जनाब अपने लोगों नाल कराने, अपनी जबान नाल कराने कि साड़ी मिठी जबान साड़ी हिंदू जबान। तुसा अरब ममालिक हो, यूरोप में हो, अमरीका हो, कैनेडा में हो, तुसा हिंदू सुनने से नहीं मिलती ना। असी K2 टेलीविजन संस्थे हिंद को जनाब प्रोग्राम किन के आंदा है। और यही वजह है कि डेडी प्रोग्राम तुसा पसंद भी है और तुसी सा देखते भी आओ। डेडी जिथे जुलती है जी, डेडी की एक पूरी टीम सफ़र करती है। तो अज भी जनाब डेडी पे साढ़े स्वाति मामा मौजूद हैं। भोला हाले तक नहीं पहुँचे, रोज़ों में कोई खास ड्यूटी भी करता होंगे तो यकीनन थोड़े चिरे शायद आ रहे थे। स्वाति मामा शुक्रिया तुसा दा, गल तुसा नाल बात भी कर सा। अज की सोहनी डेडी और सोहनी डेडी पे दो सोहने गुलकार असं बुलाएं जी। तो शकील आवान जाहिर है तुसा वास्ते नवा नाम नहीं और कमाल दा गांदे ते आदमी भी जबरदस्त हो, शायर भी हैं। और सरदार आदिल जी गायकी की दुनिया में इतना ज़्यादा अरसा नहीं होया, कुछ साल डेढ़ साल इन्हों का होया, लेकिन इन्हें अपना लोहा मना के दें। तो इस सफ़र में ये आ गए अज की डेडी में साढ़े नाले दो गुलकार सुन और तुसा इन्हों को ज़्यादा गीत माइए सुना सा सड़िया गल् घट्टो सुन, क्योंकि तुम जहर खुशियों में गीत सुनना चाहते हो। साड़ी कैमरा टीम जी साढ़े सीनियर कैमरामैन गुलाम नूरानी साढ़े नाल मौजूद हैं और एली अनमोल उन्होंने साथ देते हैं। तुसा वास्ते जनाब ये सोहनी डेडी तैयार की जुलसी ड्रोन कैमरे ते RF स्टूडियोज हरिपुर तो साढ़े भरा आए दिन उस वास्ते ड्रोन फुटेज कर सन इस डेडी की एडिटिंग कर सन जी साड़ी इस डेडी की, बल्कि एडिटिंग हो चुकी हूँ तो देखते हो पे ना। यासिर जेब साढ़े एडिटर हैं, रिकॉर्डिंग इंजीनियर साढ़े DSNG इंजीनियर भी आखने मुहम्मद अदील जी वो बिल्कुल मौजूद हैं DSNG पे रिकॉर्डिंग पे कर दें। और तुसें भी दसा कि ट्रांसपोर्ट साढ़ा डिपार्टमेंट जी चाचा सितार असन की टीम आ कहके आए दिन इस्लामाबाद तो। और खास तौर पर फिर शुक्रिया जिससे मैं शुक्रिया अदा करना साढ़ा पुलिस बैंड इतने मौजूद है, उन्होंने भी मेहरबानी जिससे असं आए हैं तो बड़िया सोहनिया दुना नाल उन्होंने साड़ा इस्तकबाल किया। साड़ी सारी टीम की कुप्तानी रही है यासिर जमान को साढ़े प्रोड्यूसर हैं। तो तुम्हारे अच्छी और बेहतर डेडी जनाब असी तैयार करने की कोशिश करने हैं जनाब। फिर एक बार शुक्रिया जी हज़ारा पुलिस का, हज़ारा पुलिस से खास डेडी तुम्हारे मुनद कराई है। और कोशिश कर सा कि पुलिस वाले और पुलिस वाले दिन गल् भी करा और डिप्टी कमिश्नर साहब साढ़े को मौजूद हैं तो उन्होंने गल करा। बहर ईदी के दिहाड़े असी मसाइल की गल ना कर सा, असी खुशियां की गल कर सा। पर तुसा पता है कि डेडी जिसे असं शुरू करने तो साढ़े स्वाति मामा जड़े ने वो कुछ सारे डेडी ईद के हवाले बाकी कोई इवेंट हो तो उस हवाले गल कर दें। स्वाति मामा क्या हाल है? अलहमदुल्ला जी शुक्र अलहमदुल्ला, बड़ी खुशी की गल है। और संभालने जुड़ी मुन
समझाने चलो पहले मेरे अपने अफसर का सलाम कर छोड़ो। सलाम अलैकुम जी। अल्लाह की कसम काशो भाई यकीन कर सी ये लगता सर जी हमारा घाटा होड़ता ला दे यकीन कर सी इतना वजनी थे हालांकि तेरा घाटा तो ला नहीं आना चाहिए जिसका जरा लादू निकले तो अभी उसने कोई मसला नहीं अल्लाह चलो जी अल्लाह दा गलत है मैं ढूंढदा ढूंढदा यकीन कर सी तुसा कितना है मैं तुसा दे ते स्वाति मामे दे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना गया सा शुक्र है था मुख सारे अफसर थागे ने ना मैं अक्सर जी रोजे में यकीन कर सो सर की गुठाल उठाल के ते ईदी वाले धड़े छप के दरागे ने यह देखो एक कुछ इंसाफ है जी तुम या भी डीपीओ साहब कुछ कर सो जी यकीन कर सो मुझ परेशान हो जाने ना ईदी देने ने ना कोई ना कहा इन्हों का कुछ करो जी चल तू ना ईदी आज पुलिस वाले को लोग कहने के दे सा ओ ना मारे दार मुझ चंगे ने यकीन कर सो बाद में आदमी ने जदो जुलते ने पुलिस वाले मुझे कुछ देगी जुलते ने यकीन कर सो मुझे कुछ था ये आपने सारों नहीं जदो कोई पुलिस मतलब ट्रैफिक था ज्यादा मसलो आते पोले तुम ही था ड्यूटी दे खैर और थोड़ा भी मतलब है नाम में भी नाल ड्यूटी दे रहे ना पूछ करो दुनिया दुनिया का खुशकिस्मत रीन आदमी है कि पुलिस वाले को तू किन्ने यकीन कर सो जय जय तो बाद में ट्रैफिक का निजाम है ना जी यकीन कर सो अल्लाह करे जा सारे हजारे में चवे जी तानिया दे मारो ना जी जरा अच्छा मैं दस गले के पाए दी ए टोल है जी ए टोल नहीं हो ए मैं अपने ना प्रामा को कह दे इस आस्ते के इसको यकीन कर सो ड्रम 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 आतन समझो जबरदस्त हो गया के ख्याल है अच्छा मैं गले छु कट गाटे से कट के तरीका से मैं स्वाति मामे नाल गल करके इसको थी रख के ना चादा मन रख के ना चलो सही है नाल के जुली अगले रोजा का मसला ग्राम में पैसे देसो कि ना देंदे पैसे देसा लेकिन रोजे में चे बजाना है या टोलकी बजाना है रोजे भी टोलकी बजांदा सा इसलिए था ये था कि तो मैं चल रहा सी कोलो कोई फायदा चाके ना टोलकी दा अपने ही मजा दे तो टप टप ते डमा डम समझ के करे करवा दी गला जी स्वाति मामा और इसकी गला नहीं मुक्तियां जी पहले बता सो रोजे के गुजरे ने बहुत सोने जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े जी कमजोर हो गए आप बस तुसा पता है ना जी रोजा में थोड़ा जा आदमी ठंडो होता है ये नवी एक तहकीक निकली उसके मुताबिक अमरीकी एक साइंसदान और डॉक्टर उसने आख्या जी हर बीमारी का इलाज भुख है जो आदमी पूरा भी पी दड़े एक महीना अठ दस बारह घंटे भुख बर्दाश्त करे जनाब अली उस सारिया बीमारियां दूर हो जुलदियां ने तो साढ़े दीन इस्लाम ने असा 1400 साल तो रोजा का महीना दिता हो तमाम बीमारियों का इलाज बड़े काबल और बड़े साढ़े अर्दिल अजीज पुलिस अफसरान से बैठे ने तो प्रोग्राम देते ने फाइन भी आने ते माशाल्लाह गाने भी जान ने देखो जी रोजियां दे एहतराम दे विच तब्दील में आदत की थी वाह वाह मामा वाह वाह रोजियां दे एहतराम दे विच तब्दील में आदत की थी तेरे हुक्म ते रोजे रखे ने ते एक तेरी इबादत की थी माशाल्लाह ते रोंदियां दी चुपी सही ते कबूल हो वे ते जाने मैं वे कदे जी वे ते अगा मलोह मैदान में अगा मलोह मैदान में मामे अच्छे तैनी हैं ते मेरी तरफ हो ईद मुबारक पाजी बेबे लाले हैं पाजी बेबे लाले हैं मेरी तरफ हो ईद मुबारक पाजी बेबे लाले हैं आज दे दाड़े माफ करो जी हर एक चिट्टे काले हैं ते साले उठ के खाड़ी पकड़ो अपने हर पणिए दी ते पणिया साहब भी माफी देवे आज दे दाड़े साले साले आया आया जीरो मामा ते इनको वेज उर्दू वेज बहु ही बड़ा फरोक है ना इनको वेज उर्दू वेज बहु बड़ा फरोक है ते इनको वेज जंदरा आते उर्दू वाले ताले जी इनको वेज जंदरा आते उर्दू वाले ताले ते ਅਤੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਵਾਹ ਉਹ ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਇਹ ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੋ ਵਾਲੇ ਜੰਦਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਆ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਅਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਨਕੋ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਆ ਲਾਲੇ ਲਾਲੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਅਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਮ ਭੁਲਾਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਈਦ ਅਸਾਂ ਮਿਲਣੇ ਮਿਲਾਣੇ ਆਏ ਆ
प्यार दे दीवे बालने आया, नफरत की अग बुझाने आया, ते कोई तुसा दी असा सुनने आया, ते कोई अपनी तुसा सुनाने आया, ते सुने कोई मेरे भरा खफा ने रुसिया होया, असा मनाने आया, पुराने संगीत याद नहीं करदे, अज नवे संगीत बनाने आया। जज्बा कहन के संगियो आया तुसा कोल, ईद दा मौका असा खेडा दे नाले करा मखोल, दुनिया दे हर कोने खांचे साढ़े हजारे वाल ने ईदी दिया ना खुशियां बेचो सारे सारे नाल। वाह जी वाह वाह जी। नाज़रीन इस डेडी और डेडी सारे जी पुलिस वाले ने डेडी खास मुलाकात कराई और पुलिस वाले ना बैंड थे मौजूद है, ते इस बैंड दी थोड़ी जी परफॉर्मेंस तुसां दस्सां, ते साढ़े जबरदस्त किस्म के फनकार और पुलिस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंदियां खास तौर पर इन्हां दे जिहड़े फंक्शन होंदे ने इस पर परफॉर्म करदे ने, ते अज भी असां कोले आए दे ने वलीदाद ने, ते उन्हां दी पूरी टीम है जनाब, इन्हां कोलों कुछ थोड़ी जी परफॉर्मेंस इन्हां दी कुछ तुसां गीत सुनाने आ, उस तो बाद फिर असीं जो लोग मौजूद उन्हां नाल गल कर तुसीं जारी रखो।
जनाब अली ईद जी दे दिए मेरे इनको वान मेरे जिथे तक भी प्रोग्राम देखने वाले लोग ने मिजाइया नजम सुनना चाहते ने डेडी के प्रोग्राम दे ना हो मां पता है फिर मलो काशिफ साहब मां मौका भी नहीं दे लगे क्योंकि माशाल्लाह साले मजद अफरान दो चार चार मिनट के देने दे डेडी जड़ी तोड़ लग गए तो नजम ये सुनानी है जनाब अली के ईद ही दहाड़ा है भाइये ने कपड़े सड़ा के आते हैं हूँ ईदी की नमाज पढ़नी है जुलदा है कोई लेट भी हो गया तो अंदर चोला ला के सुथड़ा थे इनके पास फिर कमरे में ना उस नाला लभदा तो ना नाला पानी वो घड़िया देता है जमात आ गए ईदी की अगे टोटल पांच मिनट रह गए उस लहर चल गई अरे जनानी मेरी मां नहीं पूछती कितना टाइम उतो मैं अंदर लग्या हो तो जनाब अली एकदम शायरी शुरू होती मुकालमा शुरू होंगे तो वह आता है और नूर पीर वेले मां पी पकांदी है उतो मेरी ईदी की नमाज पही जाती है ओए नाला मेरी सुथरी जा किथे तार गई है आवाज नहीं आंदे किथे मर गई है वादी आवाज पे आंदा है वा अखियां खोल पंडा में बद्दा आई उठे ही फरोल तेरे और मोए वे ग्रह भी में पावा ऐसुकी ओई बूथी वे छा भी में पावा तेरे और मोए वे ग्रह भी में पावा ऐसुकी ओई थुनी वे छा भी में पावा ततियां तवियां दे मां कीता होई चरो सिखी होई है शराब पीता होई वादा ओए मां लस्सी पीना ते गां रखी होई है बुत्त में गैरो ते तां रखी होई है नशे तेरे पिछो प्यो ते भरा पे कर दे हां जी बिल्कुल ना शराब ते प्यो ते भरा पे पींदे ने हर दम दहले ओ थाने विच होंदे ने उत्थे भी बड़े अरमाने विच होंदे ने वाह पांच साल मेरिया भरावान तुदा रखे है वह रज रज रिजके है उसे तुद फके है वह उन्हें में जो काट के खराबी पे दसने वह खाने जगह हुई थे नवाबी पे दसने खाने जगह हुई थे नवाबी पे दसने वो मेरे ना सीधे मुंह गल तू नहीं करनी है मेरा कोई मसला हल को नहीं करनी है कल तुदा आख्या में पानी तत्ता कर अगों के आखनी है और पता कर ओए सौ बारी आखना ते चीड़े तू कढ़नी है मेरी हर गला में चो कीड़े तू कढ़नी है बेहाले कार दस क्या तू नची दस ओ किसी ने आग छुड़ाया कि भाभी ने मेरा दी फेरी मारी बेहाले का ओ साडा कल्चर है असी लोग करने है बेहाले कार दस क्या तू नची है अजड़े दी मां है या ला तू बची है अजड़े दी मां है या लं तू बची वादी वा दंगलो लंग तू कन्ना दा कच्चा है बाकी लोग कूड़े ते एका तू सच्चा है सारे तो पहले उठे मां तेरी नची है उस जाके पूछ ना ओ वाले बची है मां में हंसे तनियो जबरदस्त हो सारे तो पहले उठे मां तेरी नची है उस जाके पूछ ना ओ वाले बची है ओ जनाब अली फिर गल थोड़ी जी अगे टुरदी ते ओ आती है नूरे मसलिए दी भैन तू लगनी है तेरे जिया पिछे लोग मारदे ने तालियां तेरे ते हस दिया बुढ़िया कराड़िया ते लम्मी नजम जी मुकालमा राई इथे आन के मुकदी जी जी मामे दी अपनी जाती जिंदगी शोरा जितने भी लिखते हैं जी उन्होंने 90% उन्होंने अपने एक्सपीरियंस होने ते इन्हां दा विज़ार हुण बडेरे ने ते बच्चे भी जवान हो गए ते ओ चाची हुणी मामी हुणी भी बडेरे ने ते ओ मामलात हो जुलदे ने बहरहाल जी साडे नाल बैठे दे जी डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद मुगीस सनाउल्ला साहब थोड़ी जी गल उन्हां नाल करने आ फिर डी पी ओ साहब क्योंकि मेज़बान उन्हां नाल बाद विच गल करसा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब सर ईद मुबारक होवे तुसां ते इनको समझदे हो सर तुसां दी जबान ते मादरी जबान पंजाबी है ना इनको भी गल करा उर्दू भी गल करा आप पहले इनको में बात करें और आपका भी और बाकी जितने भी हमारे शकीन हैं उन सबको भी ईद मुबारक और हिंदको ज़ुबान एक तो वाकई जैसे हमारे स्वाति मामा उन्होंने बात की है वाकई बहुत मीठी है और हमें पूरी समझ आती है तो इसलिए आप हिंदको में बात करें मैं अलबत्त आपसे मदद से उर्दू में जवाब दूंगा ठीक है मैं भी थोड़ी बहुत उर्दू मुझे भी आती है मैं भी बोल लूँगा कोई ऐसा मसला अच्छा तो कितना अर्सा हो गया सर एबटाबाद
इसमें मुझे एबटाबाद में सवा साल हो चुके हैं जी, और जी। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे एबटाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में सर्व करने का मौका मिला। इधर के जो लोग हैं, इधर की जो रवायात हैं, एक किसी भी नेमत से कम नहीं है। तो सवा साल मैंने अभी सर्व किया है और इसमें उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमने काम करने की कोशिश की है वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई हों। माशा इससे पहले तकरीबन जी पोस्टिंग रही है कि शहर में रही है? मैं इससे पहले पेशावर सर्व कर चुका हूँ जी, उससे मानसेरा, कोहिस्तान। पेशावर मेरे तीन डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने सर्व किए जी जी, बाकी मानसेरा और कोहिस्तान में मैंने सर्व किया। ठीक है, सीएम नाल भी मैं हर ड्यूटी की थी इससे पहले, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू चीफ मिनिस्टर के भी। ठीक है, अच्छा के फर्क पाया सर? हजारे भी मैक्सिमम नौकरी की थी, पेशावर और एबटाबाद में क्या फर्क है मौसम के अलावा? सबसे बड़ा फर्क तो आपने पहले ही बता दिया कि गर्मियों में इधर सर्व करने का जो मजा है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ मेरा जितना इधर टाइम गुजरा है लोग बहुत, जिस तरह कहें ना जुबान मीठी है, लोग बहुत मीठे हैं। आपके जितने सियाहती मकामात हैं, मुकाम तो अच्छे हैं ही हैं, मगर उनके साथ मज़ा आता है जब लोग भी उनके साथ हों जी। तो इधर और बाकी हर शहर की अपनी खासियत है, इधर की खासियत मौसम तो है ही है, मगर मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, लोगों के साथ मुझे बड़ा मजा आया। मौसम का असर इंसान की शख्सियत पे होता है, हर चीज का होता है। जैसे आप देखें सख्त मौसम होगी उधर शायद जी, इंसानी तबीयत में भी थोड़ी सख्ती आए जी। तो इधर का मौसम भी अच्छा है, आपके इर्द जो जितने भी सराउंडिंग्स हैं वो खूबसूरत हैं जी। आई गेस इंसानों में भी वो चीज़ पे नेचर के थ्रू आती है जी। इंसान जाहिर है मौसम खूबसूरत है, इंसान खूबसूरत है, इंसान का इनर जो है ना अंदर जो खूबसूरत होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जी, कि जो इनर है या अंदर जिस तरह इंसान की तरबियत है या उसकी शख्सियत है वो नरम होगा और वो खूबसूरत हो तो फिर मजेदार बात है। ठीक है, माशाल्लाह जाहिर है तुसां दी सिविल सर्विस भी जो बहुत जाइया जुलसो अल्लाह तुसां तरक्की भी देसी। एबटाबाद तुसां मानसेरा कोहिस्तान याद रहसन? देखें हर जगह का मैं ये नहीं कह सकता कि एक चीज ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि हजारा इन जर्नल और एबटाबाद, एक तो डिप्टी कमिश्नर की जो ओहदा है वो भी एक बड़ा हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें जितने भी आप लोगों ने काम किए तो बड़े आपके दिल के करीब होते हैं जी जी। बिकॉज ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी याद रहती हैं, और हमारा आने का मकसद भी जितना भी टेन्योर होता है कि अपने टेन्योर में कुछ ऐसे काम कर सकें जो पूरी ज़िंदगी आपके हैं कि जी हमने ये काम लोगों के लिए किया। सही, तो बिल्कुल अभी जितना भी मेरा टेन्योर हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है, और ये एंड तक डेफिनेटली एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, बाकी भी जितने शहर हैं हमेशा याद भी रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के दिलों में हमारा कोई अच्छा याद रहे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दिल से ज़्यादा लोगों के दिलों में रहे तो वो ज़्यादा चीज़। लोग सुनी तारीफ कर दें, लोग आते हैं जी कि असं जुड़ने हैं, और मतलब डी सी साहब हम मिलने से कुछ ज़्यादा असा मसाइल का सामना नहीं होता। बहरहाल ईद के हवाले नाल एक तो पैगाम मसरूफ हो जुड़ना भी है, एक तो ईद के हवाले पैगाम चाहते हो, दूसरा जो लोग कदम मिलना चाहते हैं अपने मसाइल के हवाले उन्हें कोई मैसेज कदम चाहते हो? पहले तो मैं ईद के रेफरेंस से बात करना चाहूँगा कि ये ईद बड़ी मुख्तलिफ ईद है, बिकॉज कोविड के दिनों में हमने गुजारा की है, पिछले साल भी थी, इस साल भी है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नेचर भी हमें बताती है कि जितने भी, जिस तरह हमारे पहले उन्होंने बात की बुजुर्ग ने, कि जितने भी हमारे जो करीबी ताल्लुकात हैं, जो बहन भाई हो गए, जो नाराज़गियाँ हैं, वो हमने दूर करनी है, ये मौके ऐसे हैं। और नेचर ने भी बताया कि कोविड के दिनों में किसी का भी हमें उस तरह अंदाज़ा नहीं होता कि क्या वक्त है, तो हमें इस ईद पर यह तहैया करना चाहिए कि जितने भी अपने करीबी हैं, अपने दोस्त हैं, जितने भी आपके लोग हैं, उनके साथ मिले जाके, जितनी भी दिल की जो आपकी कोई डिफरेंसेस कह लें या कोई दूरियां आ गई, उनको हमने समेटना है उसको दूर करना। और इसमें हमने इसका ये भी अहद करना है कि ये वक्त ऐसा है कि हमने एक अहम शहरी या अच्छा शहरी होने का सबूत भी देना है, बिकॉज हमारी अपने जो करीबी लोग हैं उनके तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं जी जी। मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शहर के साथ भी हैं, इस मुल्क के साथ भी हैं, इस सोसाइटी के साथ भी हैं। तो हम आज अहद करें कि इस खुशी के मौके पर हम अपने को करीबियों को भी साथ दिल की गहराइयों से मिलेंगे भी, और उनके जो भी डिफरेंसेस हैं दूर करेंगे, मगर जो हमारी सोसाइटी के तौर पे या शहर के तौर पे हमने काम करना है तो वो भी मिलके करें, ताकि इस शहर को भी हमने आगे लेके जाना है, इस मुल्क को भी हमने आगे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी जी। साढ़े नाल बैठे जी ज़हूर बाबर खान आफरीदी, DPO साड़ी एबटाबाद पुलिस से। सर उर्दू में बात करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में आपसे। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली जब रोज़े गुजरते हैं तो और भी खुशी होती है।
और अलहमदुल्ला बड़े खैरियत से गुजरे हैं, पुरामन गुजरे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है माशाल्लाह। आइंदा भी हमारे जो हालात हैं अल्लाह करे पुरामन ही रहे। कोरोना एक मसला है हमारा, लेकिन यह कि बाकी मसाइल हमारे इस इलाके में अल्लाह की मेहरबानी से कम है। आपकी भी फर्स्ट पोस्टिंग है यहाँ पे या पहले भी? जी मेरी हज़ारा में ये पहली पोस्टिंग है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं अफरीदी हूँ, जिस तरह आपने जी नाम में भी मेरा लिखा हुआ है, और मेरा ताल्लुक खैबर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, और पला बड़ा मैं पेशावर में। पेशावर में अफरीदी कबाइल ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में है, हमारे शायद खान अफरीदी कराची में बड़े हुए हैं और ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा लगा हमारा ये इलाका बहुत ही खूबसूरत, हमारा खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और हज़ारा जो है फिर वो उसकी शान है, बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज इलाका है। जितने टूरिस्ट आते हैं आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप लोकल हैं जी, तो सारे ही हज़ारा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा, कोहिस्तान, सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ईद का जो दिन होता है बंदा कहता है यार रिलैक्स होऊंगा मैं, अपने मतलब अपनी मर्जी का ड्रेस पहनूंगा, आप ईद वाले दिन भी यूनिफॉर्म में है? हमारी ईद असल में शुरू होती है जब ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं। पहले चंद दिन तो ईद की नमाज हो गई, फिर काफ़ी रश होता है बाज़ारों में भी, मसाजिद पे भी, और दूसरी पार्कों में, और लोग निकलते हैं घरों से, तो हमारी नेचुरली ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन हम इसी को एंजॉय करते हैं। अपनी ड्यूटी को मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। सही। ये 24 घंटे की एक ड्यूटी होती है, आप दिन रात ऑन ड्यूटी होते हैं, लेकिन इसी में हमारी खुशी होती है कि पूरा मन गुजरे और हालात सही हों, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। आपको मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहले पुलिस से शिकायत रहती थी हम लोगों को जी जी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम अगर पुलिस स्टेशन चले जाएं, थाने चले जाएं, माहौल बदल गया है। जो नए लड़के आए हैं, जो यंग हैं, उनका बिहेवियर भी ठीक होता है, वो आपकी बात भी सुनते हैं और प्रॉपर उस पर एक्शन भी लेते हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे तारिक खान बैठे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस की जो बात करता हूँ, हम चूँकि सड़कों पे सफ़र करते हैं, लेकिन हम तो सफ़र करते हैं उर्दू वाला, आपकी पुलिस इंग्लिश वाला सफ़र करती है, ट्रैफिक पुलिस, और उनको सलाम कि वो हर चौराहे पर खड़े होते हैं। धूप का वो रमज़ान गुजरा है और रमज़ान में हम उनकी ड्यूटी देखते रहे हैं, कमाल की ड्यूटी वो लोग करते हैं। और उन लोगों के लिए अगर आप ईद के हवाले से कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, हमारी ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिन रात धूप में, बारिशों में, जिस तरह के भी हालात हों, वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, और मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ईद की मुबारकबाद तमाम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को, तमाम देखने वाले हैं जितने भी हमारे टीवी पे, जितने इधर हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, दीगर हमारे एबटाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, सबको मुबारकबाद। और जिस तरह आपने कहा कि पुलिस की ड्यूटी दिन रात वाली ड्यूटी है, और ख़ासकर ट्रैफिक की ड्यूटी, फिर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि रश के औकात होते हैं, रश आर्ज होते हैं, कभी हवा चल रही होती है, कभी सख्त गर्मी होती है, और नामसायद हालात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक हमारे ट्रैफिक वार्डन का, और इसमें ख़ास कर तारिक साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं, बिल्कुल, और उनकी पूरी टीम इधर DSP साहिबान हमारे बैठे हुए हैं, तो ये सारा इन्हीं को क्रेडिट जाता है। और जो भी हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो फीडबैक है एबटाबाद के लोगों का, जिस तरह आपने कहा कि लोग बहुत ही खुश हैं और बड़ा पीपल फ्रेंडली उनका एटीट्यूड होता है, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका भी बड़ा तावन होता है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका भी तावन होता है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ईद का दिन है जी, ज़ाहिर है आपसे किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक के हवाले से शहर के मसाइल हैं उस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि गाड़ियाँ सारा सारा दिन पार्क रहती हैं वहाँ पर दुकानों के सामने, वो ज़रा अगर हट जाएँ तो लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाकी खुशी का दिन है, कोई हमारे जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देंगे आप, जो आपसे लोग मिलना चाहते हैं, जैसे डी साहब से मैं बात कर रहा था, अगर कोई आपसे मिलने आए तो कितनी उसको हर्डल्स जो हैं वो अबूर करनी पड़ेंगी? देखिए, कोई हर्डल्स नहीं है, हम तो सरकारी मुलाज़मीन हैं, अवामी मुलाज़मीन हैं, और मैं हर फोरम पे ये कहता होता हूँ कि आपके अपने दफातर हैं, चाहे DPO का दफ्तर हो, चाहे हमारे DSP साहिबान के दफ्तर हों, चाहे SSP साहिबान के दफातर हों, तो ये आपके अपने दफातर हैं, आप बिला झिझक आया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, कोई सिफारिश की, कोई फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ की गवाह मेरे ख्याल में पूरे एबटाबाद के लोग हैं कि आप जब भी आएँ हमारे दफातर आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, आपके कोई इश्यूज़ हैं तो वो हम लीगली उसको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि डोर स्टेप पर आपके मसाइल हल हों।
मैसेज यही है कि अब ये जो आजकल के हालात हैं, कोविड का एक टाइम चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग बीमार हो गए हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, हमारी हुकूमत की तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस हैं, एसओपी जो कोविड की एसओपीज़ हैं, हमारी लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है, हमारा यही मैसेज होता है कि जो एसओपीज़ हैं वो हमारी भलाई के लिए, आप मास्क पहना करें। अब अनफॉर्चुनेटली हमने इधर नहीं पहना हुआ, बट हमें मास्क पहनना चाहिए, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हैंडशेक से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जो रश वाली जगह है उधर बगैर किसी वजह के, बिला किसी वजह नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए जी। और आप देखते रहते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं, अखबारों में भी सुनते देखते हैं कि हमारे कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना भी हम ख्याल रखें और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, खासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, खासकर जो दूसरे बीमारियों में हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोविड की एसओपीज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, हम उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और आपने भी शायद जाना है किसी जरूरी मीटिंग में, आपने जाना है। शहनशाह अफरीदी या शाहिद अफरीदी आज माशाल्लाह अपने अफरीदी भी तार गए, अफरीदी सारे माशाल्लाह ये आते होंगे माशाल्लाह, अफरीदी कौम ही खूबसूरत है। अच्छा उर्दू में गल कर, गल गल सुन, उर्दू में डके लग दें जी, उर्दू मारे थान के फसल दिए ना, तो मैं उर्दू में गल करा, मैं आता सा जी उर्दू क्या बोला जी, वो उर्दू चाहिए। मैं कह रहा था कि जो अफरीदी लोग होते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं, हमने दो अफरीदी पहले सारे खूबसूरत हैं सारे माशाल्लाह, पहले जो हमारे डीपीओ आए थे वो भी माशाल्लाह क्वाड के थे, कहते थे वो भी बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत है, पता नहीं क्या वजह है कि आपको खूबसूरत लोगों को ये एबटाबाद में भेजते हैं, ये आपको एबटाबाद के लोग खूबसूरत हैं तो इस वजह से। नहीं इनका नहीं, इनका मत बोले, इन्होंने क्रीमें बहुत लगाते हैं। शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश आपकी, और जाहिर है आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी ईद वाले दिन बड़ी मुनासिब होती है, और ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट को हम सलाम पेश करते हैं कि आप लोग ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं। बहरहाल जी, डीडीसी पे देखते हो असी मौजूद हैं एबटाबाद बिच, और पुलिस गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं ईद की खास डेडी, और इस खास डेडी मुनक्कद कराने पर जी मेयर सीमाब साहब साढ़े ब्यूरो चीफ उन अजारे आस्ते के टू टेलीविजन दे, तो उन्होंने बड़ा इस पर किरदार है, बल्कि बड़े आ रही है, उन्होंने नाम में पहले किन्ना भुल गया। मैर सर खफा ना हो, मैं हूँ तुसों तो नज़र पई है, तो माशाला अज तो ईद के वाले ड्रेसिंग भी सोहनी की है, कि तमी कमीज भी पा के ना करो, तो चलो तुम को माइक आया फिर तुम गल कर सा जी। नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा इस सोहनी और खास डेडी बच्चे अरका दौ आखने जी, अज मौजूद हाँ असी पुलिस गैसट हाउस एबटाबाद में ईद की डेडी, और ईद के वाले गपशप भी साड़ी पी होंगी है, सामने एक और शख्सियत बैठे दिन जनाब, और असा वो भी फख्र हैं क्योंकि एबटाबाद की तरक्की खास तौर पर, और एबटाबाद के कुछ मसाइल बच्चे हल में उन्हें बड़ा किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जी आजाद सलीम राणा साहब सर मौजूद हैं इसी एबटाबाद तलक है, और इन्हें वाकई जो तलक है उसने निभाया भी है। सर क्या ठीक हो? ईद के जी गुजरी? ईद तो माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी लंघी है, सारे असी सारे इकट्ठे होके नमाज भी पढ़ी है सुबह रियासी मस्जिद में, तो लोगों दोस्तों नाल सारे प्यार मोहब्बत नाल सारे मुलाकात भी हुई है, ठंडियानी रोड बन गई, लीचे लिफ्ट लग गई है जी जी। लोग बड़े टूरिस्ट माशाल्लाह जुलते हैं, बड़े लोग अच्छा इज्तमा लग जुलता है गर्मियों में। जरा साहब एक चीज जी है, चलो ईद का दहाड़ा एवं नहीं मिलते हो, तो एक गल करके ना एबटाबाद की सुनियाई मुक्ति जुलती है जी, बूटे कपे गए टाकियां नाल जनाब, क्रश मशीन लगी दी, नोट टुटियालों के बेचारे का बुरा हाल होएगा, कमावालों का बुरा हाल होएगा, एक कोई भी आदमी इस सिलसिले खत्म नहीं कर रखा, हालांकि क्रश मशीन तुसादे कदे जो नवा बाईपास बने इस रोड के पिछले बहुत बड़े पहाड़ न, कदे काम शुरू हो जाए ये बच्चों। बहुत प्यारी गल तुसां कीती है, बेसिकली ये बुनियादी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है जी। अगर गवर्नमेंट लेवल उते बह के लेजिस्लेशन करन प्रोविंशियल गवर्नमेंट उते, मेरा ख्याल है इसका हाल निकल सकता है, रोजगार भी रहना चाहिए जी। ये तुसी नहीं कर सकते हो कि रोजगार खत्म कर छोड़ो जी, लेकिन तुसा दी गल बड़ी प्यारी है कि ऐसा तुसी पिछले टाकियां में खड़े हो जी, हुण ये बांडे वाले पासे नवा रोड निकल आया तमतोल बाईपास, बिल्कुल ये सरबन का पिछला हिस्सा जी, उत्थे तुसी देखो कितना बड़ा पहाड़ पिछला बड़े पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल, ये अगर तुसी हुण मोटरवे ते जुलो ते जितने भी मरगला दी मशीन आईयां बंद हो गया जी,
وہ سارے سارے شفٹ ہو گیا انہوں نے دیکھو ایتھے بھی وقت ہے اگر کرنا چاہے لیکن گورنمنٹ دا لیول دا کام ہے اور میرا خیال ہے گورنمنٹ لیول تے لیجسلیشن کر کے قانون جڑی ہے اس دی پاسداری کر کے اس کرنا چاہیے ایدی دا دڑا جی ایک اور گل تساں کول پوچھاں اسیں سنتے رہنے ہاں پڑھتے رہنے جی جنرل کدے ریٹائر نہیں ہوندا تے جنرل ریٹائر ہو جلے تے او پروٹوکول کرے بیچ تے پھر نہیں تھاندا او فرق محسوس ہوندا آئے گل تساں دی ٹھیک ہے کرے بیچ پروٹوکول تے خیر قائم دائم ہے الحمدللہ زندگی دا مزہ سچی گل تساں دساں ہون آنا شروع ہویا ہے کہ اتنے پیارے دوست مل گئے کہ میرا خیال ہے پروٹوکول دی ضرورت ہی نہیں رہی زندگی دے وچ کیونکہ پیار محبت بڑا پیارا ہے مطلب زندگی دا مزہ ہونا ہے صحیح مزہ ہے کیونکہ تسی ایک ہو گئے ہو نا سارے اٹھنا بہنا ایک ہو گیا ہے شعور انسان آ جلے اور جس ویلے بھی آ جلے میں سمجھنا کہ زندگی بچ کوئی ٹائم ایسا آنا چاہیے انسان دے بچ تساں جو کچھ کمایا اسا کچھ واپس بھی دے کے جلو اس دنیا بچ اگلا جہان اگر کمانا ہے تے کچھ تے دے کے جلو تے بسترا تے سارے واسطے مزہ آندا ہے اور چیزاں بھی بڑیاں مزیدار ہیں گولف کورس ایتھے بھی آیا ویسے میں کھیڑیا نا لیکن ایتھے بھی آیا میں سڑکاں اُتے رہنا بیٹھے دے جانا میرے نال طارق خان لیکن میں شروع جدو کیتا ہے تو اس ویلے ڈی ایس پی جمیل آ تو ایک دیہڑے اس میں آخیا کہ جی وہ اسا بھی نہیں پتا ہے میں کون ہاں میں ڈی پی او صاحب آخیا میں میزائل چوک پہ جلنا یہ چھ سال پہنے کی گل جی چھ سات سال کی میں کیا اس آخیا کہ اتنے آ جلے اتنے کچھ مسائل ہیں ٹریفک دے میں سزوکی ٹورنا اپنی چھوٹی جی ہے وہ تو وہ بےچارا کھلتے دیا کہ پراڈو شاڈو آ سی کوئی اگے پیچھے گڈیا ہو سن میں جل کے کھل گیا میں سن کال ماری تو وہ پھر مڑے تو سزوکی در دے کے ٹرتا پولے جا میرے کو آیا تھے آخر جی جنرل صاحب تھی ہو میں کہا جڑا میں یا میرے نال بہ جل تے میں دسی مسئلے کے اصل اج تک اسی ہی پہ کرنے ہیں اصل فاروق بیٹھے دا ہے اشتیاق بیٹھے دا ہے جی یہ طارق بیٹھے دا ہے مقصد یہ ہے کہ ایبٹآبا جی دیکھو اسی سائیکل تے جلنے ہیں سن 62 وچ جی اور یقین کرو کہ ایبٹآبا وچ ایک بس صرف بن چلا جی تساں روک سا اذان ہے تے میں بریک کیا کرنا ناظرین ایک نکی جی بریک کرنے اور بریک تو بعد پھر حاضر ہونے ہیں جی بریک تو بعد ایک بار پھر تو ساں ڈیڈی بچ ہر کدے آخنے جی ڈیڈی ساڈی بالکل جاری ہے عید والے نال بریک تو پہلے میں جنرل صاحب نال پہ گل کرنا ہے تے جنرل صاحب آخدے جی مطلب ظاہر آدمی ریٹائر ہو کے آندا ہے لیکن اے لائف زبردست ہے اس ریٹائرمنٹ دی لائف تو بعد تے جنرل صاحب اج عید کی جی گزری عید بڑی اچھی گزری ہے جی سارے ماشاء اللہ میل جول بڑا اچھا ہوا ہے سارے کٹھے بیٹھے ہاں نماز کٹھی پڑھی ہے ماشاء اللہ اس کے بعد سارے نے گھر آنا جلنا بڑا اچھا رہا ہے ایک دوے نال ملے ہاں دروازے کھلتے ہون تے آندے بوئے بند ہون تے کوئی بھی نہیں آندا دروازے کھلے ہونے چاہیے بوئے کھلتے ہون دروازے کھلے پکانے ہوندے جی پکانے ہاں جی اس بغیر تے مزہ ہی نہیں ہے جی ترامی بھیج دے پلا تسی سمجھے نہیں ہو وہ تساں پوچھتے ہیں آپ پکانے ہوندے ہو سیویاں آپ نہیں میں پکائیاں میرا دے عیدی والے دیہاڑی پک دیا اے آپ سیویاں پکانے ہیں آٹا گوندے ہیں اے تے ماشاءاللہ جنسرا اللہ تعالی برکت کرے نہ نہ ہے لیکن کہ اچھی گل ہے کہ سارے لوگ آنا جانا ملنا اٹھنا فرسٹ کلاس ہے جی الحمدللہ بڑا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سڑے در بیٹھے دین جی ایس ایس پی ٹریفک طارق خان صاحب تے انس مخ چہرہ جس ویلے نے دفتر پہ جلو انہاں دا بوا کھلتے دا ہوندا ہمیشہ مطلب جڑے لوگ جڑدے ہیں ملدے بھی ہیں انہاں دا خیال بھی رکھتے ہیں اور انہاں دے مسائل کدے حل طلب ہون تو نہ حل بھی ضرور کر دین ٹریفک پولیس ہینڈ کر دین جی اور اج دی ریڈی پہ موجود ہن یونیفارم وچ موجود ہن عید سونی گزری جی ہے بھائی فرسٹ کلاس اچھا بہت اچھا ہن تے کوئی ذرا دا دیگر بھی ہو گئی ہے نا جی بالکل تے چلو دو ترے دا تساں دا خیر زیادہ ذمہ داری کیونکہ ٹریفک دے والے نال لوگ ساڈے ہزارے آن دین تے ٹریفک پولیس دی ذمہ داری ذرا زیادہ ہو جلدی ملک صاحب اس طرح ہوندا ہے کہ ایبٹآباد تو علاوہ جڑے ایبٹآباد دے باسی ہیں جی جی وہ زیادہ باہر دے شہروں میں روزگار واسطے جی ہاں اور عید اتنے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے وہ کراچی ہے راولپنڈی یا پشاور ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر آؤں جی ہاں ملک صاحب زیادہ میجورٹی لوگ جڑے لوگ اتنے گلی والے ایبٹآباد والے شروان والے گھر آنے رش ہوتی ہے لوگ آنے مگر شکر الحمدللہ کہ میرا جتنا سٹاف ہے ٹریفک کا جی ہاں سپائی اسپیشلی ہیڈ کانسٹیبل
इंस्पेक्टर और स्पेशली असंदे जिहड़े त्रै डीएसपी सरबार इन्होंने इस दफा रात दिन एक किए बड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि किधर रोड जाम न हो। हर आदमी अफतारी टाइम अपने घर पहुँच ले और हर आदमी इज्जत नाल अपने घर ईद करते हैं। अज जितने भी इजतमात हो ईद के जाहिर है उसे पुलिस वाले बाहर खड़े थे। अच्छा एक मैं एक और चेंज देखी है, पहले बहुत घट देखने अज लोग पुलिस वाले नाल भी ईद मिलते, हालांकि एस ओ पीज भी हैं लेकिन उस विच भी उन्होंने मिलते। आम तौर पर लोग पुलिस वाले को अलग ही मिलते हैं ड्यूटी दिखते हुए। हाँ पिछले मलिक साहब एक मेरा ख्याल है दो एक साल पहले एक वीडियो में देखी है लाहौर की वीडियो जी जी कि एक पुलिस कॉन्स्टेबल है और यूनिफॉर्म में ड्यूटी करता है ईदगाह के बाद जी जी के बाद और सारे लोग निकले सारे गुजरन आखिर पे रो गए। देखो यार सारे लोग निकले किसी ने मेरे नाल हाथ मिलाना ईद मुबारक करनी भी गुवारा नहीं किया। मगर एबटाबाद का जो कल्चर है हजारे का जो कल्चर है ट्रैफिक वाले भी इन्होंने भरा हैं पुलिस वाले भी इन्होंने भरा हैं हर आदमी ख्वाह जवान है बुजुर्ग है स्पेशली बच्चे जी सारे आते रहे उन्होंने पुलिस वाले ईद मिलते रहे ईद मुबारक आखी है वाकई तुम्हें ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ईद के हवाले नाल जाहिर है असीं ड्यूटी भी करने हैं तो ईद में साढ़े को गीत माइए भी हैं तो साढ़े को शकील अवान बैठे हैं दीदी गल करके नो भोलिया से भी कोई मतलब है तो चंगे ही हो जरा जी जना भोलिया तेरी ईद हो गई है बस मलिक साहब गल सुनो ना गल हो गई तेरी ईद बस हो गई पक्की गल है पक्की गल है ईद पड़ी है ना पड़ी बस तेरी ईद हो गई जरा जी मेरा ब्याह भी नहीं होएगा तो मैं हूं अपने नाम नाल इजाफा कर छोड़े मैं भोला रणमरीत अपने नाम नाल रख के देना शकील अवान सर बैठे थे जी जनाब शकील अवान साहब क्या जी जनाब अल्लाह का करम मुबारक हो खैर मुबारक जितने भी देखने ए तुसां दे प्रोड्यूसर दी फरमाइश ही यासर आखे जी जी यासर दी फरमाइश ते लाई इस मतलब यासर छिड़ा के दीती जी जी अच्छा अच्छा जितने भी साडा केटू प्रोग्राम देखने वाले डेडी देखने वाले उन सारेयां ईद मुबारक और उम्मीद करने हैं कि जेडे बैरून मुल्क हैं उन्हां भी अच्छी ईद गुजारी उसी खास करके साडे पाकिस्तानियां। चलो ते के सुनांदे हो साडे नाजरीन खास तौर ते जेडे लोग सा टीवी ते देखते हैं और बाहर दे मुल्कां में देखते हैं जी ये उन्हां दी फरमाइश ते चंद माइए जेडे ओ पेश करे कोई
जी जनाब तुसां एक और जबरदस्त किस्म का गीत सुनाने जी सरदार आदिल कोलो इन्हां दा नवा एल्बम है तो असां पहली बार डेडी बिच इन्हां परफॉर्म किया है और इस तो बाद सुन सो बाकी भी आसन तुसीं जिथे भी इन्हां सुनना चाहो मार्केट में अवेलेबल हो सी लेकिन डेडी पर पहली बार ये गीत आया और बड़ा जबरदस्त गीत है इन्हां कोलो गीत सुनने सरायकी जबान हिंद को और सरायकी एंजू भैणा आखिया जुलदा हिंद को गाने वाले सरायकी का जिसले गाँवन तो उन्हें मुश्किल नहीं होंगी लेकिन सरायकी वाले हिंद को कदे नहीं गाँवते उस यकीन सुनते हो सर उन्होंने भी आसा तुम भी हिंद वाले पासे आओ शिफाउल्ला एक गीत गाए साड़ा चिट्टे चने की चाड़नी बाकी उन्होंने नहीं गाया बारा जी सरदार आदिल को संगीत सुनाने ढोलत कु याद हो सी जदों नजर
ਦੇਣਾ ਹਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾਲੇ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੇਠੋਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਨਾਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੇਠੋਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਡੇਡੀ ਔਰ ਡੇਡੀ ਸੱਜੀ ਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਆਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡੀ ਪੀ ਓ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਈਦ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਉਸ ਸਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬਣ ਜੁਲੇ ਉਜਰਾ ਤੂਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮੇ ਆਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਕਿਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਰਨ ਬੜਾ ਛੋੜੋ ਮਾਈ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਕੈਸੀ ਮਤਲਬ ਈਦ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਾਂ ਕੇ ਟੂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਨ ਇਸ ਡੇਡੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਟਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੇ ਟੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸੂ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਉਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅਸਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਉਸ ਪੇ ਡਾਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਸੂਮੋ ਸਲਾਤ ਤਲਾਵਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਹਕਾਮੇ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸੀ
कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और अगले जड़े 11 महीने उन्होंने भी असा को यही चीज़ा नजर आना चाहिए असं मस्जिद उसी तरह भरनी होनी चाहिए असं एक ही दुए के बारे में प्यार मुहब्बत उसी तरह होना चाहिए जियां अज ईद के मौके पर तुसा भी खुसूसन और बाकी भी काफ़ी सारे आए कि जेडे दिल ने उन्होंने को साफ किया जुले और जिड़िया खफकिया नाराजगियां और वो जिड़िया चीज़ा तो सन अज इस बड़े दिन के हवाले न दरगुजर कर दे और इसका फायदा अल्टीमेट अपने आप को भी है कि जिस वक्त तुम माफ कर दो तो अपने दर्जात बुलंद होने बेशक बड़ा यही मैसेज है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और अगले 11 महीने भी इसका असर नजर आ बहुत शुक्रिया सर बड़ी नवाजिश बड़ी मेहरबानी गुलाम असफिया खान जी रिटायर्ड SP पुलिस हैं और गुलाम असफिया खान साहब का ना जोड़ा है साढ़े नवा नहीं सारी डेढ़ी वास्ते खास तौर पर डेढ़ी जिससे बिल्कुल अपने इब्तदाई मराइल में ही तो असं इन्हों ग्राएं बच्चे इन्हों की डेढ़ी बे डेढ़ी की टुडयाल एबटाबाद इन तालक है पुलिस तो रिटायर होए लेकिन ये कि सोशल सैक्टर में बड़ा जबरदस्त ना है अज भी मतलब जनाब मुख्तलिफ कामों में शामिल रहने लोगों का जो भला होंगे लोगों की भलाई इन्हों का हथ होंगे क्या है सर ठीक हो अल्लाह का करम जी खैर खरीद ईद मुबारक हो शुक्र है खैर रिटायर हो ता ही मतलब ईद की ड्रेसिंग में आए हो बड़ी मेहरबानी मैं मलिक साहब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सा कि तुसा पुलिस क्लब में आके बेहतरीन मौके उत्ते ईद के मौके उत्ते एक फंक्शन किया है जिन्हें सारे भरावान में लाया है उन्होंने खुशियां में शामिल हो खुशियां साढ़े भरा जो वर्दी में बैठे दे असी तो घर भी ईद करके आए हैं लेकिन ये भरा साढ़े जो मेरे वर्दी में बैठते हैं जो तकरीबन मेरे नाल रहे जी जी ना ज्यादा खुशी है असल हो गई है कि असि सारे ना मिल के ईद दी खुशियां में शामिल हो गए और ना अपने घर का माहौल इतने देख रहे अदरवाइज असि तो घर में ईद गुजार रहे हैं अपनी खुशियां बच्चों नाल बड़िया नाल बुजुर्गों नाल सारे नाल ईद दी नमाज़ां भी पढ़ रहे हैं तो चावल भी खा रहे हैं पर यह बेचारे तो अपनी ड्यूटियां तो मस्जिदों में कोई बाजारों में तो इन्हों पर एहसास होना है क्योंकि मैं ये 40 साल गुजार के आया था जी जी कि 40 साल में जी सा पुलिस की ड्यूटी होंगी है इंतई सख्त ड्यूटी होंगी है जी और ड्यूटी जी पुलिस ना होती है ले आम लोग जो सा माशरे का हिस्सा है वह नहीं देखते उन्होंने को कदर नहीं जी लेकिन एक कदर होन जरूर आई है किस वक्त आई है जिस वक्त दहशतगर्दी हुई है पुलिस हाँ अगे फ्रंट उ पाया गया पुलिस का एक जवान जो शहीद होंगे आ एक मकाम होते दुआ उसे दी जा के उठ के उठी खल जुलते हैं बेशक जी बेशक अपने फौज नाल शाना बशाना चले जी हां बिल्कुल जाहिर है एकदम आगे चले ये मुल्क साडा और इस मुल्क की अपनी अपनी कैपेसिटी में हर आदमी खिदमत करनी चाहिए और इस वास्ते तन मन धन उत्ते जाहिर असा कुर्बान करने तो दरेक नहीं करना चाहिए बहुत शुक्रिया वकार खान जदून तुसा नाल बैठे थे जी भरान मेरे ते जनाब बना फगवाड़िया तो खास तौर पर आए और पहली बार रेडी बच्चे आए वकार खान पहली बार आए हो ना माइक जरा नेड़े करो माइक जी ते ईद ईद मुबारक होवे खैर मुबारक होवे जी तुसां भी ईद मुबारक होवे ईद दे हवाले नाल के पैगाम दसो वकार भाई जरा कहने की गल करसा तुसां दी ते इनां दी उम्र में कितना एक फर्क है जी अच्छा इनां उम्र किन के बह गई है मेरी ए मैं निकल जाया ते इनां ए जई देखता रहे आई गल सुनना चांदा सा तानिया एही गल अच्छा मैं कुछ रोजां तो पहले ना तुसां दे घरे कोल गया जी जी ते इफ्तिखार खान सन दे बड़े भरा उत्थे पे जुलदे सलाम दो होईए ते मेरे नाल इक टीम है असी डॉक्यूमेंट्री भी बनाने तो मैं उन्होंने नाल एक गल की है मैं आख्या जी इन्हों के वालिद साहब होंगे बजुर्ग सन के उन्होंने बरदार होंगे ग्राएं तो कोई भी मामला होंगे है कोई अटेस्टेशन वगैरह होंगी यही तो असं उन्होंने को निके निके जुलते होंगे जुल तस्दीक करा तो बहरहाल वक्त तो अपना अपना फेर है हूँ हर घरे भी तस्दीक करने वाला मौजूद है बस हमने हो गया जी जी हाँ ईद के हवाले क्या आखसो ईद हवाले जी कि मैं तुसादे चैनल का शुक्रिया अदा करना कि वो लोग जड़े लोग ईद की खुशियां तो महरूम रह जुलते खासकर असां दे पुलिस वाले भरा जिन्हां दे क्लब में प्रोग्राम पे करते हो उन्होंने अज हौसला अफजाई वास्ते तुसीं इत्थे आए हो और अज उन्हां जिंदगी में मेरा ख्याल है पहली बारी ईद बनाई हो सी कि इत्थे डेढ़ी का प्रोग्राम होया जी जी वो अपनी ड्यूटियां तो फारग हो के आए और इत्थे तुसां नाल शामिल होए और जरा हास खेड के वो खुश हो गए बेशक उन्हां दी थकावट लै गई वकार खान बहुत शुक्रिया वक्त हो गया तो गल कर अयूब अवान साहब नाल बैठे दें जी साबिक रजिस्ट्रार ते सारी उम्र जमीना दे हिसाब कर दे रहे सर क्या हाल है जी माइक जेड़े करे तुसी ठीक हो जी अल्लाह दी मेहरबानी सोनी मुबारक होवे जी ते नाल पुलिस वाले दे मेहरबान जेड़े साडे भरा बैठे दे माइक जरा नेड़े करो
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਦ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਅਖਲਾਕ ਇਤਨਾ ਕਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਆ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ 43-44 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਮੀਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਨੋਰ ਮਾਰਟਿਨ ਗਿੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਕਲੀਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਈਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਈਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨੀ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਟਾਂਚੀ ਚੌਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਈਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਾਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਕ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਡੇਡੀ ਔਰ ਡੇਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਆਦਿਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ
तोहफा है जान तो प्यारा चन ढोला खिया दा तारा ए तोहफा है जान तो प्यारा चन ढोला अखिया दा तारा नीले रंग दवे सूट किना नीले रंग दवे सूट किना बस मेरी अखियां बिच मैं अखियां नूट किना रता गुलाब सजना दिता है तोहफा बढ़िया चामनाल वे बढ़िया लाडना किताबा सोहने मही दे सोहने गुलाबा साम के रख सा बेच किताबा सोहने मही दे सोहने गुलाबा सोने नल तुल माया सोने नल तुल माया अल्लाह करे बन जावा सजना दिता है तोहफा बढ़िया चामनाल वे बढ़िया लाडना दिल लगिया दा पहला तोहफा दिल लगिया दा पहला तोहफा प्यार दा पहला साल रता गुलाब सजना दिता है तोहफा बढ़िया चामनाल वे बढ़िया लाडनाल वे बढ़िया चामनाल वे बढ़िया लाडनाल साहब बैठे दिन लगे हाथों मेरा ख्याल है जनाब मेरे साहब क्या हाल है जी मैं ठीक ठाक ठीक हो माशाल्लाह नमाज भी इसी सूट पे जी पड़ी है या उसले को कपड़े लाए देने जब दबा दे अच्छा तो बाजारे भी फिरने पे बस अच्छे लग रहे माशाल्लाह पोला बार मुड़ गया है ना जिसले ते ऐसा उतो सूट चा देता किसी एक रे थोड़ा सा बाहर बिगड़ रहा है अच्छा सूट चा देता है सा किसी थ्री पीस से रिवाज होता है ऐसा कह रहा है किसी आखे बू सुन लगदी है सहने वेले भी नहीं लड़दा है नहीं देखिए साड़ी फील्ड ही जी एक जहरी गल है असा हर टाइम रेडी रहना पैंदा है कि किसी टाइम कोई कवरेज या किधर देखो जिस तरह साड़े पुलिस ते तुसाने गल की थी ईद दी दिहाड़ी उन्हें वर्दियां पाई दियां ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੋਸਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਡੀ ਦਾ ਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਟੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੇਟੂ ਨੇ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਾਨ ਕਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਰ ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕੇਵਾਨ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵਾ ਈਦ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਦਸਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਟੂ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੇਢੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨਾ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿ ਪੰਦੂਨਾ ਮੇ ਟੰਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਸ ਕਾਠੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
तो साड़ी घट ही हुई ने कुछ। मैं दुबई रहा, मैं सऊदिया रहा, पर मेरी सेहत पे कोई असर मतलब ही रही रहा। वजन मेरा जो समय इस दस साल हो गए, दो किलो ज्यादा होया। दस काठी का आदमी होता ना उसका मैदा पिनिया में होता है बस। कुदरती साढ़े खानदान भी मोटा बंदा मतलब दसा ना कि कोई भी नहीं मतलब सारे। अच्छा जैसे स्मार्टनेस की गल आई है जी, तो पुलिस वाला स्मार्ट नजर आवे ना तो हैरत होती है आदमी है, तो अच्छा भी बड़ा लगता है। एक स्मार्ट पुलिस वाले इतने बैठे थे साढ़े फारूक शाह साहब ने गल करने जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो सा। ते तुसी आए भी मोटरवे पुलिस तो ना जी मैं एडप्टेशन। ते इस स्मार्टनेस दा राज यही है कि मतलब वो असर है हले बस अपनी फिटनेस दा ख्याल हर पुलिस ऑफिसर या किसी भी यूनिफॉर्म पर्सन करना चाहिए। नाल कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी जी ट्राई कर रहे हैं जी। बास्केटबॉल सॉरी बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेल दो माशाल्लाह। थोड़ा सा बास्केटबॉल में भी खेल है थोड़ा जा। मैं वैसे फुटबॉल खेलता रहा दुनिया की कोई ऐसी गेम नहीं जड़ी मारे काशिप भाई ने खेली ना। मैं ना बहुत सारी गेम नहीं खेलिया, क्रिकेट में नहीं खेलिया, मतलब वॉलीबॉल नहीं खेलिया, लेकिन बास्केटबॉल में स्कूल की टीम में खेला है। तो बड़ा बड़ी मतलब बड़ी हार्ड गेम है, जरा बंदा मतलब खेलता हो तो उस पता होता कि कितनी हार्ड है। बहरहाल जी अच्छे लगते हो माशाल्लाह, इसी तरह अल्लाह करे स्मार्ट टिके रहो। ईद के हवाले के मैसेज दसो जी। थैंक यू काशिफ भाई। ईद के हवाले ही है जी कि जिस तरीके का तुम सारे भावा पुलिस न ट्रैफिक पुलिस नाल और बाकी पुलिस नाल जितनी मुहब्बत का इजहार किया, इंशाल्लाह साड़ी कोशिश हो सी कि ईद के मौके पर इस तो हट के ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जितनी भी है थोड़ी जी उम्मीद एक्सपेक्टेशन हैं इस पूरे इंशाल्लाह उतरने की कोशिश कर सकते। बहुत शुक्रिया आयशा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। एक नवी गल का पता है जी, काशिफ साहब साढ़े पाकिस्तान कलर ने नेशनल प्लेयर ने और वाद खिलाड़ी ने ये भी गोलकीपर और बड़े फेमस किस्म के जिम्मेदार क्लब दे गोलकीपर और बहुत जबरदस्त बहुत ये वाद जनाब अली गोलकीपर ने जिन्हें शायद अगर नहीं बजाए पिछा मार के अपनी टीम से गोल कर फाइनल बेच फाइनल बेच फाइनल गल चल लिया गल सुन दे रहा करो जी जी। काशिफ साहब जो गोल अपनी शाह साहब तो मैं है काशिफ साहब जड़ी जड़े गोल अपनी जुबान नल कर देने शायद उसका कोई जवाब। मैं तो सा एक वाकई एक वो एक आम जा क्लब का मैच है लेकिन ये कि एक मतलब दुनिया का एक वाइज शायद वाकया होया कि मैं बेसियत गोलकीपर किक मार के दुई टीमों से गोल किया, वो मैं नहीं किया हो गया, मतलब मैं टॉप ऑफ डी बाल पकड़ा उतों मैं किक की है, वो गोलकीपर टॉप ऑफ डी खलते आया मेरी किक गई है तो वो डबल माइंडेड होया कि भाई ये समय अगे हो के बाल हम पकड़े या पीछे बस ते डबल माइंडेड होना ही थी कि टिपा लगा उसे सिर तो बाल पीछे चला मैं गई हूं मैं गई हूं बस भागो 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 ये ज्यादा बात नहीं है बस मैं नहीं बर्दाश्त करता कूल नहीं मार दे साहब सच आ तेरे अच्छा अच्छा आज ऐशा साहब बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी जनाब वक्त हो गया तो مزید اور گل کراں برحال تقریباً وقت مکتا جلد ہے جنرل صاحب سر نال بیٹھے ہیں جی جنرل ایاز سلیم رانا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تے ساڈی ڈیڈی وچ جائیں اور خاصی مصروفیات چھوڑ کے آئیں اساں کولو بڑے بھی ہیں پروٹوکول دے لحاظ نال بھی ساڈے کولو خاصے بڑے تے آخری میسج انہاں کولو کہ انسان تے اس تو بعد پھر اساں کولو اجازت اساں جی سر بہت مہربانی کاشف بھائی بہت مہربانی بہت پیاری ڈیڈی آ جوئی ہے ماشاءاللہ سارے بڑے پیار محبت نال گلاں بڑیاں پیاریاں ہوئی ہیں اور سارے نے میرا خیال ہے دل کھول کے اپنے خیالات دا اظہار بھی کیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے اساں ہزارے دی خوبصورتی اسی طرح قائم دائم رہے اور اسی میں سچی گل ہے دلوں چاہنا کہ ایبٹ آباد کی خوبصورتی واپس جس طرح اساں پہلے زمانے بھی دیکھی اس طرح مڑ کے آ جلے تساں دی جس طرح گلا نے پہاڑ ایک شاداب ایک درخت ایک خوبصورتی اور لوگوں کا جڑا اپنا کردار بھی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی برکت پا آمین اور اسی ایک دوے نال پیار محبت دا قائم دائم رہنا بہت شکریہ سر تھینک یو جی जी नाजरीन डेडी चलती हो डेडी जारी हो दिल ही नहीं आखता कि डेडी मुके लेकिन बहरहाल जी हर प्रोग्राम का एक वेला होंगे तो इस प्रोग्राम भी मुकना है डेडी तुसा ईद की खास डेडी और पुलिस गेस्ट हाउस एबटाबाद तुसा पेश की थी। हज़ारा पुलिस का खास तौर पर शुक्रिया डी पी ओ जेडे साडे अफरीदी साहब उन्होंने शुक्रिया इश्तियाक खान का शुक्रिया और सारे जनाब मिल के डेडी कराई सारे का शुक्रिया जनरल साहब साढ़े नाल बैठे रहे अज पूरी डेडी बिच जनरल साहब की मेहरबानी और जितने लोग अज डेडी बिच आए तुसा नाल गल कर रखी है या नहीं कर रखी जनाब तुसा की मेहरबानी तुसी इस डेडी बिच आए और ईदी की जाहिर तुसा पता मसरूफियात बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन अज के दिहाड़े कोई मसरूफियत बिचो वक्त कट के आए तो बड़ी गल होंगी है पर अज तुसा नाल गल कर सा परदेस बिचो तो नहीं आके अगली बारी अल्लाह कर सी जरूर आसो अपने पैरों को आसो तो ईदा वैसे तो आदमी जदों भी कार आए परदेस बिचो तो वह ईद ही होंगी है। तो एक और गल जी जरूरी है जी मैं शुरू में नहीं कर रखी कदे तुसा दे कोई अजीज रिश्तेदार कोई दोस्त कोई संगी कोई बजुर्ग तुसा नालों खफन गलती बेशक उन्होंने होवे तुसा दे नज़दीक
लेकिन उन्होंने को चले चलो जो आदमी दुए को चला जुलता है ना बड़ा आदमी उ और ईद ये त्यौहार इसी वास्ते होंगे कि दिलों में कोई खलिश हो दिलों में कोई मतलब कोई जी चीज़ आई भी हो कड़ने वास्ते ये त्यौहार आते हैं तो दुए लोगों को जुल के उन्हें मनाना उन्हें सलाम दुआ करना और खास तौर पर एक गल कर बडेरिया जो साढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हों की 70 साल तो ज़्यादा उम्र है असं आम तौर पर उन्हें भुला छोड़ने उन्हें एक जमाना गुजारे का होंगे उन्हें सारिया गलों का पता होंगे उन्हों को ज़्यादा असं बहना चाहिए और जनाब इन्हों खुशियां भी उन्हें शरीक करना चाहिए ये नहीं कि आप खाव पीव तो आखिर तो उन्होंने असं कोई चीज़ कहकर जुला बल्कि बडेरिया तो असं बूणी करनी चाहिए हर अच्छी चीज़ पहले बडेरिया देनी चाहिए इंशाल्लाह जी डेडिया का सिलसिला बिल्कुल नज़ारे रोजे खत्म होन ये डेडी की है तो अगर तुम्हारे ग्राम में भी आसा तुम कहते अपने ग्राम भी डेडी कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर तुम्हारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नंबर नजर आ सी राबता करो इंशाल्लाह सी तुसां दे ग्रां विच वी आसां आखिर ते शकील अवान को तुसां गीत सुनासां मैं डेडी दी सारी टीम नाल तुसां कोल चाहना इजाजत अल्लाह सोने दे हवाले चढ़ वे चना ते कर रोशनाई तारे जिक्र करें दे तेरा तेरे जे चन कई सह चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा जिथे चन असाडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा जिस दे कारण असां जन्म गवाया बहु यार मिले हिक फेरा ਚੂਰੀ
ਸਤਮ ਦੇ